अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्ची ली है। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज काट ली है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा बारीक बारीक कूट लिया है। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं और ये पूरे एक गोभी का फूल है। इसको हम गैस पे रख के और यही पानी के अंदर हम उबालेंगे। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी थोड़ा सा। अब हम इसको एक उबाल आने देंगे जितने हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 कप ऑयल लिए हैं छोटे वाले। अब मैं इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल दूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा और थोड़ी सी हींग। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज जो हमने काटी थी। इसको अच्छे से हिला लेंगे। हमारे को प्याज को गोल्डन नहीं करना है, बस नरम करना है। ये देखिए हमारी प्याज नरम हो गई है। इसको हमको गोल्डन नहीं करना था। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। इसी के अंदर जो हमने 4 मिर्ची लिए थे जिनको मैंने ऐसे काट लिए है 4, इसको भी डाल दूंगी इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर मैं यहाँ पर टमाटर डाल दूंगी। और इसको 2 से 3 मिनट तक के हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर जो लहसुन हमने कूट के रखा था उसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट और पकने देंगे क्योंकि अभी हमने लहसुन डाला है, इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए जब तक कि, और थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। अब यहाँ हम सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया। 1 चम्मच भरकर मैंने मिर्ची डाल दी, ये 2 चम्मच। अब यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अब यहाँ पर जो हमने गोभी को उबाला था नमक डालकर, उसको भी इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जैसे ढाबे पे बनता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बनाया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी को डाल दूंगी। कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और यहाँ पर मैंने मैगी मसाले का एक पाउच लिया है छोटा वाला, उसको भी डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी यहाँ पर पूरी बन गई है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी हरा धनिया।
और यहाँ पे फ्लेम को मैं कर दूंगी बिल्कुल बंद, यहाँ पर ढक दूंगी। अब बताती हूँ आपको मैं सर्व करके। ये देखिए बनके तैयार है बिल्कुल हमारी ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।